इंडिया इस महीने लेके बैठा हुआ है यूएन को, और वो तो पूरा अपना प्रेशर यही रखेगा, गनी का प्रेशर है, और अब तुर्की भी उधर जा रहा है। तो मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान जो है ना अब बहुत सख्त मुश्किलात में आया है। एक नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जो है वो थोड़े ज्यादा ही बोल रहे हैं और कुछ कंट्रोवर्सीज क्रिएट हो रही हैं। इंडिया के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर का तो नाम आधे पाकिस्तान को नहीं पता होगा, वो तो कभी भी पब्लिक में आते ही नहीं है, कोई स्पीच नहीं देते, कोई कुछ करते नहीं है, और वो ज्यादातर बिहाइंड द सीन्स ही बात करते हैं। तो बहुत सख्त प्रॉब्लम्स बन जाएंगे, बहुत प्रॉब्लम्स बन जाएंगे कि ना हम इधर के रहेंगे ना हम उधर के रहेंगे। उधर से भी तालिबान के भी दुश्मन हमें, वो भी हमें अपना दुश्मन समझेंगे, अमरीका और टर्की और ये सब लोग समझेंगे कि भाई ये क्या हो रहा है। कश्मीर के मामले को लेकर 2019 से भारत और तुर्की के बीच कुछ मतभेद पैदा हो गया था, लेकिन अब तालिबान के विरोध के नाम पर भारत और तुर्की एक साथ आते दिख रहे हैं और पाकिस्तान तुर्की से दूर जाता दिख रहा है, क्योंकि वह अभी भी तालिबानियों की हिमायत कर रहा है। भारत चूंकि अभी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का अध्यक्ष बना है और साथ ही तालिबान कमेटी का अध्यक्ष है, इसलिए यह भारत और तुर्की का गठबंधन आने वाले दिनों में और मजबूत और प्रभावी होगा। पाकिस्तानी मीडिया इसको कैसे ले रही है, आइए सुनते हैं। सेठी साहब, थोड़ी देर पहले अक्वामे मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का इजलास हुआ और वो इस महीने सलामती काउंसिल की जो सदारत है वो इंडिया के पास है, और वहां पर जो मुमालिक हैं इस्तोनिया, नॉर्वे, चीन, बर्तानिया, उनके नुमाइंदों ने तो खिताब किया ही, लेकिन अक्वामे मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल की जो नुमाइंदा खसूसी हैं वो कैनेडियन सफारतकार हैं डेबरा लियोन्स, उन्होंने काबुल से वीडियो लिंक पर खिताब किया और उन्होंने कहा कि हालात बहुत ख़राब हो रहे हैं, तालिबान अपने तमाम वादों से फिर गए हैं, अक्वामे मुत्तहिदा के कंपाउंड पे हमले कर रहे हैं, अकलियतों पे, औरतों पे, और वार क्राइम्स जो है वो कमिट कर रहे हैं। इंटरनेशनल ओपिनियन जो है अब टफ होने जा रहा है, हार्ड होने जा रहा है, बिकॉज वो जो पीस निगोसिएशंस थे तालिबान हट गए, हर चीज से हट गए। तो मैं ये समझता हूँ कि ये काउंटर प्रेशर आ रहा है। अब यूएन में तो बड़ी वाजे तौर पे कर दिया है, इंडिया इस महीने लेके बैठा हुआ है यूएन को, और वो तो पूरा अपना प्रेशर यही रखेगा, गनी का प्रेशर है, और अब तुर्की भी उधर जा रहा है। तो मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान जो है ना अब बहुत सख्त मुश्किलात में आया है। मगर अब जो हमें नजर आना शुरू हो गया है वो तो ये दो तीन चीजें नजर आनी शुरू हो गई हैं जिसके साथ सिचुएशन ग्राउंड पे बहुत रैपिडली तब्दील हो रही है, और अब बहुत सख्त प्रेशर पाकिस्तान पे आने वाला है, बहुत सख्त। और तालिबान आपकी बात नहीं सुन रहे तो फिर अमरीका भी आपकी बात नहीं सुनेगा, तो फिर इंटरनेशनल कम्युनिटी भी आपकी बात नहीं सुनेगी, और ये बहुत मुश्किल फैसले आपकी टेबल पे आके रख दिए जाएंगे, और अगर आप नहीं करेंगे तो कुछ चीजों तो वैसे ही हो जाएंगी। तो मैं ये समझ रहा हूं कि अब वो वक्त आ गया है कि आपको फैसले करने पड़ेंगे, यू आर हेयर और यू आर देयर। तो अमेरिका इंटरवेंशन करेगा ही करेगा, वाया बमबारी करेगा और भी बहुत कुछ करेगा, और इंटरनेशनल कम्युनिटी फिर इकट्ठी हो जाएगी, तो फिर आप कहां जाएंगे। तो मैं ये समझ रहा हूं कि मुईज यूसुफ साहब और इसीलिए गए थे और डीजी आईएसआई गए थे, ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। एक नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जो है वो थोड़े ज्यादा ही बोल रहे हैं और कुछ कंट्रोवर्सीज क्रिएट हो रही हैं। इंडिया के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर का तो नाम आधे पाकिस्तान को नहीं पता होगा, वो तो कभी भी पब्लिक में आते ही नहीं है, कोई स्पीच नहीं देते, कोई कुछ करते नहीं है। इसी तरीके के साथ अमेरिकन एनएसएस भी जो होते हैं वो दे अलाउ द व्हाइट हाउस एंड दे अलाउ द स्टेट डिपार्टमेंट अनलेस, और वो ज्यादातर बिहाइंड द सीन्स ही बात करते हैं, कम ही बात करते हैं, ज्यादातर ये होता है एंडोर्स कर देते हैं सम व्हाइट हाउस इनिशिएटिव। ये मतलब है कि एक फॉरेन मिनिस्टर है आपके पास और फॉरेन मिनिस्टर साहब चुप हैं, और आपके एनएसएस पब्लिक डिप्लोमेसी में, आप पब्लिक में आके ये बातें कर रहे हैं। ये पहले तो ऐसे नहीं होता था, हमने बड़े एनएसएस देखे हैं, पहले पाकिस्तान में भी रहे हैं, वो तो सिर्फ बैक चैनल के लिए होते हैं कि रशीद दोस्तम साहब जो कि अभी तुर्की में थे, वहां उन्होंने पनाह ली हुई थी, वो वापस आए हैं, और आते सार जैसे ही वो आए हैं उसी वक्त तालिबान ने उनके इलाके के अंदर जो उनका एक घर है उसके ऊपर अटैक किया और वहां उसको जला दिया और रैनसैक कर दिया, और बहुत पावरफुल मैसेज ये भेजा है जनरल रशीद दोस्तम और टर्की को।
तुर्की के खिलाफ आपको पता ही है तालिबान कह रहे हैं कि जी हम तुर्की ने जब से ये कहा था कि हम काबुल एयरपोर्ट को अपने ट्रूप्स भेज के डिफेंड कर सकते हैं, अमरीकनों को ये ऑफर की थी, तो मेरा ख्याल है तालिबान ने ये भी एक सिग्नल दे दिया है कि तुर्की को भी कि अभी हम आपसे भी लड़ लेंगे अगर आपने इस किस्म की कोई हरकत की, और दोस्तों को आपने पनाह दी हुई थी, ये हमारा दुश्मन है, हम देख लेते हैं इसको भी। और मेरा ये ख्याल है कि तुर्की की तरफ से भी अब बहुत सख्त प्रेशर आएगा, डायरेक्ट भी और इनडायरेक्ट भी। इनडायरेक्टली पाकिस्तान पे आएगा कि भाई ये क्या हो रहा है, आप अपने एहसासों को कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रहे हैं, नहीं तो फिर हमें इजाजत दें, हम कोई नया कोई स्ट्रेटजी करते हैं इनको खत्म करने की। तो टर्की को इन्वॉल्व किया जा रहा है, वो इज बीइंग ड्रैग्ड इन। टर्की के भी असासे हैं रशीद दोस्तों वगैरह, दे आर टर्किश एसेट्स, जैसे इस्माइल खान, इस्माइल जो है इस्माइल खान वो ईरान का असासे हैं। तो अब ईरान टर्की ये भी इन्वॉल्व हो रहे हैं, और तालिबान गालबन किसी किस्म की कंसेशन देने के लिए तैयार नहीं है किसी को भी। पाकिस्तान के साथ पंगा ले लिया है, शहरों के साथ, शहरों के ऊपर कब्जा करना शुरू कर दिया है, उधर तुर्की के साथ लड़ाई झगड़े की इशारे हो रहे हैं ईरान के साथ। तो इससे ये जाहिर हो गया है कि अब वो जो था ना पीस ऑफेंसिव, पीस पीस सेटलमेंट, ये वो तालिबान ने उसको रिजेक्ट कर दिया। तालिबान ये शायद समझ रहे हैं कि ये हमारा एक मोमेंटम बना हुआ है, इस मोमेंटम को हमने तोड़ना नहीं है और हमने आगे बढ़ना है। और अगर ऐसी सूरत हाल है तो मुझे ये खदशा है कि अब अमेरिका, ब्रिटेन, रशिया, तुर्की, ईरान, इनको ये अब सोच में पड़ जाएंगे कि ये सारा पीस इनिशिएटिव जो है ये तो बढ़ गया है, और अगर तालिबान मिलिट्री ऑफेंसिव जारी है तो इसके साथ तो आगे भी और भी कम चांसेस हैं कि कोई एक ब्रॉड बेस्ड गवर्नमेंट वहां बनेगी। तो ये आयन मुमकिन है कि इस वक्त कोई प्लान्स बन रहे होंगे अलाइड फोर्सेस के, लेड बाय अमेरिका, कि पाकिस्तान को ये कहा जाए कि अगर आप हमारे साथ मिलिट्री इंटरवेंशन नहीं करेंगे अगेंस्ट द तालिबान तो फिर यू विल बी आइसोलेटेड और आपके बगैर ही हम कर लेंगे। अगर ऐसी सूरत हाल बन जाती है तो हमारे लिए तो बहुत सख्त प्रॉब्लम्स बन जाएंगे, बहुत प्रॉब्लम्स बन जाएंगे कि ना हम इधर के रहेंगे ना हम उधर के रहेंगे, उधर से भी तालिबान के भी दुश्मन हमें, वो भी हमें अपना दुश्मन समझेंगे, अमरीका और टर्की और ये सब लोग समझेंगे कि भाई ये क्या हो रहा है। और इसलिए मैं समझता हूँ कि ये जो गए थे वॉशिंगटन, इस किस्म की डेवलपमेंट्स जो बनने जा रही हैं या हो रही हैं, ये देखने गए थे कि अमेरिका का क्या रवैया है, और उनको अपनी तरफ से भी बताने गए थे। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में कोई भी देश किसी का अस्थायी दोस्त या दुश्मन नहीं होता है, परिस्थितियां बदलती है तो सभी देश अपने अपने राष्ट्रीय हितों के ध्यान में देते हुए अपने दोस्त या दुश्मन का चयन करते हैं, गठजोड़ बनाते हैं और बिगाड़ते हैं। 2019 में 5 अगस्त को जब भारत ने जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा समाप्त किया था तो भारत और तुर्की के बीच रिश्तों में कुछ खटास पैदा शुरू हो गया था, लेकिन अब खबरें यह आ रही हैं कि तालिबान विरोध के नाम पर अब तुर्की और भारत एक गठजोड़ बनाने जा रहे हैं। इन संबंधों को थोड़ा सा परखने के लिए बैकग्राउंड में जाना जरूरी होगा। आप लोगों को पता ही होगा कि तुर्की के राष्ट्रपति तैयब एर्दोगान और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान दोनों मुसलमान देशों के चौधरी बनने का ख्वाब पाल रखे थे, इसलिए जब भारत ने 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा समाप्त किया तो इन लोगों ने देखा कि यह अवसर है कि यह कहा जाए कि भारत विशेष दर्जा समाप्त करके कश्मीर के मुसलमानों पर अत्याचार कर रहा है और फिर पूरे दुनिया में इसका ढिंढोरा पीटा जाए। लेकिन यूनाइटेड नेशन में भी इन लोगों ने इस बात को उठाया, यूनाइटेड नेशन में तो इसकी बात तो सुनी नहीं गई, यहाँ तक कि मुस्लिम देशों के अन्य देशों द्वारा भी इनको कोई भी समर्थन नहीं मिला। वहाँ जब इनकी फजीहत हुई और इनको कोई समर्थन नहीं मिला, फिर इन लोगों को एक और मौका मिला और वह मौका था इजराइल और फिलिस्तीन के बीच विवाद का। फिर दोनों नेता ऊंचे स्वर में फिलिस्तीन के समर्थन में और इजराइल के विरोध में नारे लगाने लगे, लेकिन जब यह बात सामने आई कि इजराइल के साथ तो तुर्की के बहुत लंबे समय से राजनयिक संबंध चल रहे हैं और तुर्की वह संबंध बनाए हुए है, दूसरी तरफ पाकिस्तान के भी बड़े राजनेता इजराइल के लोगों के संपर्क में हैं, फिर वहाँ भी इनको मुंह की खानी पड़ी और सारा मामला ठुस हो गया। अब तालिबान के समर्थन के नाम पर भी पाकिस्तान, तुर्की और साथ आए थे और ये लोगों ने सोचा कि तालिबान को समर्थन दे और इसी भरोसे के बल पे तुर्की के जो तैयब एर्दोगान वहाँ के राष्ट्रपति हैं उन्होंने सोचा कि हम अफगानिस्तान में अपनी पकड़ मजबूत रखने के लिए अपनी सेना वहाँ पर कुछ रखें, लेकिन तालिबानियों ने साफ साफ उन्हें मना कर दिया, उनके भरोसे को तोड़ दिया, जबकि
पाकिस्तान भी नहीं चाहता था कि तुर्की वहां पर अपनी फौजें रखें। इसके दो मुख्य कारण राजनीतिक पंडित बताते हैं। पहला, तुर्की और अमेरिका नाटो के सदस्य हैं, इस कारण तालिबानी यह समझते थे कि जो तुर्की कर रहा है, यानी तुर्की जो अफगानिस्तान में अपनी फौजें रखना चाहता है, उसका मकसद केवल दोनों पक्षों में यानी अब तालिबान और वहाँ की चुनी हुई सरकार अफसर गनी के बीच सामंजस्य स्थापित करना नहीं, बल्कि तुर्की नाटो के कहने पर यानी अमेरिका के कहने पर वह वहाँ मौजूद रहना चाहता है। एक तरह से वह अमेरिका की प्रतिनिधि के रूप में अफगानिस्तान में मौजूद रहेगा, और जो अमेरिका बाहर चला गया था अब वह तुर्की के रूप में अफगानिस्तान में मौजूद रहेगा। दूसरा, रूस और तुर्की की नहीं बनती है, साथ ही उगैर मुस्लिम के नामों पर चीन और तुर्की की नहीं बनती है, इसीलिए रूस और चीन के कहने पर तालिबानियों ने तुर्की से दूरी बनाए रखी है, जबकि पाकिस्तान अभी भी तालिबान के साथ है। तो इस कारण अब पाकिस्तान से तुर्की दूर हो रहा है और भारत के करीब आ रहा है, क्योंकि भारत भी तालिबानियों के विरोध में है और इसमें अमेरिका की हिमायत हासिल है। आप लोगों को पता ही होगा कि भारत अभी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का अध्यक्ष बना है और भारत को तालिबान कमेटी का चेयरमैन भी बनाया गया है, इसलिए यह गठजोड़ जो भारत और तुर्की का बना है आने वाले दिनों में और मजबूत और प्रभावी होता दिख रहा है। और यह जरूरी है कि विश्व शांति के लिए तालिबानियों को खुला न छोड़ दिया जाए, क्योंकि रूस और चीन तालिबानियों को खुला छोड़ दे रखे हैं और उसमें पाकिस्तान का साथ मिला है, लेकिन अब उस पर लगाम लगाने के लिए तुर्की और भारत अगर साथ आए हैं तो यह बहुत सराहनीय कदम है। और अगर इसमें अमेरिका पूरी तरह से हिमायत भारत का कर रहा है तो फिर यह तो और अच्छी बात आने वाले दिनों में होगी। यही कारण है कि पाकिस्तान के जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार NSA मुईद यूसुफ थे और वहाँ के DGISI अमेरिका गए थे, लेकिन अमेरिका ने उन्हें घास नहीं डाला, क्योंकि उन्हें पता है कि अमेरिका जो चाहता है वह काम तालिबान के खिलाफ करने का वह पाकिस्तान नहीं कर रहा है, बल्कि उनको हिमायत कर रहा है। आज के लिए बस इतना ही। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें, ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।